जी हाँ, शनिवार का दिन इंदौर के लिए एक हादसा लेकर आया। ये सीसीटीवी जिसने साफ बता दिया कि एक पुरानी इमारत सरवटे बस स्टैंड पर जो कि 70 सालों से खड़ी थी वो ज़मींदोज हो गई। देखिए आप, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि किस तरह से एक बिल्डिंग जो कि ज़मींदोज होती है और लोग भरभरा के इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। जी हाँ, ये सीसीटीवी अब सामने आया है कि किस तरह से इंदौर में 10 लोगों की जान इस बिल्डिंग के गिरने से चली गई है। देखिए आप किस तरह से ये मलबा जो है यहाँ पड़ा हुआ है और इस मलबे के अंदर करीब 10 लोग दबे हुए हैं। धीरे धीरे प्रशासन ने और लोगों ने मिलकर इस मलबे को हटाया और यहाँ से करीब 10 लोगों की लाशों को बाहर निकाला। देखिए आप किस तरह से नगर निगम का अमला जेसीबी के द्वारा यहाँ पर काम कर रहा है। बिल्डिंग गिरने के बाद पुलिस प्रशासन और नगर निगम का अमला अलर्ट हुआ और उसके बाद वहाँ पे किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के करने के बाद देखिए आप किस तरह से यहाँ से घायलों को निकाला गया और एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया। देखिए आप किस तरह से यहाँ लोगों को निकाला जा रहा है। ये ज़मींदोज हो चुकी बिल्डिंग के अंदर से लोग निकल रहे हैं। आखिर ये हादसे होते क्यों हैं, क्यों प्रशासन इन पर ध्यान नहीं देता? इंदौर में हादसा कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म देता है।